इंडियन आइडल हर हफ्ते अपने साथ एक धमाका लेकर आता है। शो पर हर हफ्ते नए मेहमान पहुंचते हैं और शो पर होता है ढेर सारा धमाल। इस हफ्ते इंडियन आइडल का एपिसोड बहुत ही शानदार रहा है। इंडियन आइडल का ये एपिसोड रिपब्लिक डे के लिए स्पेशल था। इंडियन आइडल के इस एपिसोड में गणतंत्र दिवस की परेड के लिए सेट पर आर्मी मैन, दमकल कर्मी और पुलिस कर्मी, लाइफ गार्ड को चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। सभी कंटेस्टेंट ने इन सभी को अपने गानों से ट्रिब्यूट दिया। सेट पर इस दौरान देशभक्ति के तराने गूंजे। साथ ही सेट पर आए सभी खास मेहमानों ने अपने कई सारे एक्सपीरियंस सेट पर शेयर किए और साथ ही सेट पर आए सभी खास मेहमानों को इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट ने अपने गानों से सलामी दी। इंडियन आइडल ने इन सभी बहादुरों का सम्मान किया और साथ ही ये एपिसोड देशभक्ति के नाम हो गया था। वही शो के कंटेस्टेंट सनी हिंदुस्तानी अपनी गायकी से सभी का दिल जीत लेते हैं। सनी की आवाज में कुछ ऐसा जादू है कि हर कोई उनकी आवाज का दीवाना हो जाता है। सनी हिंदुस्तानी ने इतना कमाल का गाना गाया कि जिसे सुनकर सभी इमोशनल हो गए। सनी ने अपनी गायकी से सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। सनी ने तेरी मिट्टी में मिल जावा गाने को गाकर सभी का दिल जीत लिया। सनी ने इस गाने में जो सुर लगाए वो सुनकर सभी शॉक हो गए। सनी हमेशा ही अपनी गायकी के दम पर शो पर आए हुए मेहमानों का दिल जीत लेते हैं। एक बार फिर सनी ने अपनी बेहतरीन गायकी से सभी का दिल जीत लिया है। इसी बीच नेहा कक्कड़ एक बार फिर अपने उदार दिल नेचर के चलते चर्चा में आ गई है। नेहा ने शो पर आए चीफ गेस्ट में से एक दमकल कर्मी को 2 लाख रुपए देने का प्रॉमिस किया। इस दमकल कर्मी का नाम विपिन गणित्रा है। ये पिछले 40 सालों से दमकल विभाग में सेवा दे रहे हैं। उनके इस काम के लिए विपिन को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है। जब नेहा को इन चीजों की जानकारी लगी तब नेहा ने ये कहा कि जिस तरह आप अपने बारे में न सोचकर सभी लोगों की रक्षा करते हैं ये स्वार्थहीन काम है। आपसे मिलकर मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितनी खुश हूँ। मैं आपको 2 लाख रुपए गिफ्ट में देना चाहती हूँ। इंडियन आइडल का ये एपिसोड बहुत ही शानदार रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।